सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टायर्स को कैसे ब्लैक कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो कैसे अपने टायर्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो इसके दो तीन स्टेप्स हैं। आप जैसे देख सकते हैं टायर भी काफ़ी गंदा हो रखा है, तो इस टायर को कैसे क्लीन कर सकते हैं जिससे कि एक अच्छा लुक भी आता है आपके टायर के लिए, और सेकेंडली ये आपके टायर के लिए अच्छा भी होता है। वो कैसे अच्छा होता है मैं आपको आगे फ्यूचर में इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं टायर को क्लीन करने से। तो सबसे पहले जैसे आपका टायर गंदा है, अभी मेरा टायर तो इतना गंदा नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ प्लेन वाटर और एक क्लॉथ से ही साफ़ कर लूँगा। तो जैसे कि आप ये देखिए, मैं इसको अभी सिर्फ यूँ एक क्लॉथ लेके जो गीला है उसको उससे ही अच्छे से टायर को क्लीन कर दूँगा। अगर आपका टायर अभी बहुत ज़्यादा गंदा है तो आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप अच्छे से वॉश कर लीजिए उसको खूब सारे पानी से, या आप सोप और क्लॉथ को भी यूज़ करना प्रेफर आप कर सकते हैं। वो आपकी कंडीशन में डिपेंड करता है कि टायर कितना गंदा है। तो अभी मैंने टायर को अच्छे से एक बार क्लीन कर दिया। एक बार ये ड्राई हो जाए तो उस पर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो जब तक ये टायर अभी ड्राई हो रहा है, इसका ज़रूरी है जैसे कि पहले आप इस पर कोई फ्यूचर जो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे उससे पहले ज़रूरी है कि हम टायर को अच्छे से ड्राई होने दें। तो तब तक मैं आपको बताऊंगा कि इसको ये जो प्रोसेस है टायर ब्लैकनिंग या फिर टायर को पॉलिश करने का, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके मेनली तो दो बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये अच्छा दिखता है आपका, मतलब कार वैसी अच्छी दिखती है। टायर्स पर जनरली लोग इतना ध्यान नहीं देते, पर अगर टायर्स अच्छे क्लीन साफ एकदम ब्लैक रहते हैं तो ऑब्वियसली कार का लुक तो अच्छा आता है। और सेकेंडली जो है, ओवर द टाइम अगर आप इसको पॉलिश करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब जितनी आप कार को रन करते हैं, क्योंकि हॉट कोल्ड जैसे आप कार को जब चलाते हैं तो गर्म हो जाता है व्हील, उससे एक्सपैंड होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कंटिन्यूस उसके वजह से व्हील्स में काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप उसको रेगुलरली पॉलिश करते हैं तो कभी भी आपका टायर जब बिल्कुल पूरा यूज़ हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो उसका एक वो काफ़ी एक प्लस पॉइंट है इसको पॉलिश करने का। तो लुक और टायर की लाइफ दोनों एक तरीके से थोड़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। A few moments later. नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं कि टायर अच्छे से ड्राई हो गया है, क्लीन हो गया। तो अब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये है एक ऑल इन वन पॉलिश। ये बड़ी चीप पॉलिश है, किसी भी आपको ऑटोमोबाइल पार्ट स्टोर पे मिल जाएगी, या आप ये अमेज़ोन पे भी सर्च कर सकते हैं। आई थिंक 180 या 100 रुपीज़ के बीच में ये पॉलिश आ जाएगी। ऑल इन वन है, प्लास्टिक रबर या फिर मेटल, आप तीनों पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पर पॉलिश को लगा देता हूँ। इसको लगाने का तरीका जो है, आप उसको ऑन कर लीजिए यहाँ से, पहले यहाँ से इसको घुमा के ऑन कर लीजिए इसको, और फिर अपने टायर पर स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ऐसे ही सेम आप कर लीजिए, अच्छे से इसको स्प्रे कर लीजिए टायर पे। अब एक बार अच्छे से पूरा स्प्रे हो जाए, फिर आपको लेना है एक जनरल स्पंज, और स्पंज लेके इसको अच्छे से अपने रब कर देना है इस पॉलिश को। इन केस अगर आपको पॉलिश नहीं यूज़ करनी, तो इसमें एक और टेक्निक है कि आप इसमें थोड़ा डीजल यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे पेट्रोल पंप पे जाके अपने बॉटल में थोड़ा सा डीजल ले लीजिए, उनसे बोल दीजिए थोड़ा बॉटल में डीजल डाल दीजिए, और उस डीजल को एक बार डाल के फिर आप उसको ऐसे जैसे क्लॉथ में जैसे हम वाइप कर रहे थे तो पानी से, उसके बाद आप जब ड्राई हो जाए तो आप क्लॉथ में थोड़ा सा डीजल लगा के भी इसको क्लीन कर सकते हैं। वो भी पॉलिश का जैसा ही एकदम काम एग्जैक्टली काम करता है, तो उससे भी आपका ऐसा सेम लुक आ जाएगा। अब जैसे हो जाए, अगर कहीं थोड़ी और ज़रूरत है थोड़ा सा और डाल लीजिए, और इसको वापस अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी देखिए टायर में कितनी अच्छी फिनिश आ गई है, कितना क्लियर और एकदम बढ़िया टायर शाइनी दिख रहा है। और ये थोड़ा सी थोड़ी देर बाद ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, जब अपने पॉलिश या डीजल आप जो भी लगा रहे हैं, आप उसको थोड़ी देर तक ऐसी सेटल ही रहने दीजिए, थोड़ी आई थिंक 10 मिनट्स के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अगर ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है, अगर ये ह्यूमिड है थोड़ा और उसको रहने दीजिए। एक बार ये अच्छे से सेटल हो जाए पॉलिश, उसके बाद आगे का मैं आपको स्टेप बताता हूँ। तो अभी लगभग 10 मिनट्स हो गए हैं मेरी पॉलिश को लगे हुए। तो अब मैं एक सिंपल सा करूँगा एक चीज़, जो मैं एक सिंपल सा क्लॉथ लूँगा और इसको अच्छे से रब कर दूँगा।
उससे क्या होगा, जितनी भी एक्सेस पॉलिश है वो वाइप हो जाएगी। उसको वाइप करने एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको वाइप नहीं करेंगे तो इसमें डस्ट आके सारी इकट्ठा हो जाएगी, उससे तो फिर वो उल्टा और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। भी इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए व्हील को अंदर भी। सुनो, जो फाइनल लुक है टायर की वो ये आई है, तो देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है टायर, जो पहले कंडीशन थी और जो अब हो गया है टायर, तो इसमें देखिए कितना अच्छा लग रहा है टायर। इसे क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ये चीज़ें बता दी, क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे, लुक भी अच्छा आएगा, और आपने वाइप कर दिया तो एक्स्ट्रा डस्ट भी नहीं चढ़ेगी। तो रेगुलरली अगर आप कभी, वैसे जनरली वॉश कराते हैं तो वो लोग करके दे ही देते हैं, तो अगर आप वॉश घर पे ही करते हैं या आपने घर पे किसी हेल्पर को रखा हुआ है जो आपका कार क्लीन करता है, तो उसको आप गाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिश, ये अगर आप इसको फोर व्हील्स पे भी लगाएंगे इस पॉलिश को, तो इजीली ये आपका 1 मंथ तो निकाल ही देगी, अगर आप मंथ में 4 बार भी यूज़ करते हैं तो। मैं इतना तो नहीं कहता कि आप बार बार ना यूज़ कीजिए, पर हाँ महीने में 2 बार तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं, इससे लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपका लुक भी अच्छा आएगा। सो आई होप ये जो मैंने आज वीडियो बनाई आपके लिए हेल्पफुल रहा, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।